आज तो 356 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है। सच पूछते हैं तो शिक्षा विभाग के तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि हमारे चारों प्रकार के जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिसमें हम अपने शिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं, उसमें व्याख्याताओं के पद रिक्त थे। और जब व्याख्याता नहीं रहेंगे, शिक्षकों को सही ढंग से हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तो फिर शिक्षकों के माध्यम से अच्छी शिक्षा अपने राज्य के बच्चों तक पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है, वो सही ढंग से हासिल नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे थे, और बिहार लोक सेवा आयोग से लेके सब जगह हम लोगों ने प्रयास किया है। नतीजतन आज 356 लोग नियुक्त हुए हैं। हमने इनको शुभकामनाएं दी हैं कि ये हमारे शिक्षकों को इस ढंग से प्रशिक्षित करेंगे कि वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, और हमारे बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे और खास तौर से गरीब बच्चे जो दूर देहात के हमारे प्राथमिक मध्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में जो हमारा सरकार और विभाग का लक्ष्य है, वो हमारा हासिल होगा। इसीलिए हमने इनको सर, अभी आपने शैक्षणिक क्रांति लाने का पूरा प्रयास किया है, जो गेस्ट टीचर्स हैं विश्वविद्यालय के, वो लोग बाहर बने। क्या कोई कदम इंतजाम? देखिए, ये बाहर भीतर होने की बात नहीं है, ये तो जिनकी भी नियुक्ति जिस परिप्रेक्ष्य में जिन शर्तों के साथ की जाती है, सरकार हमेशा उन शर्तों का पालन करती है। जो नियुक्ति के समय के प्रावधान होते हैं वो लागू होते हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बाहर हो जाएंगे। वो अगर सक्षम होंगे, मेधावी होंगे, तो जो सामान्य रूप से नियुक्तियां हो रही हैं उसमें भी आ जाएंगे। इसलिए जो उन्होंने सेवाएं दी हैं, हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो नियमित नियुक्ति में भी उसके लिए जो तरीका प्रावधान है उसमें भी वो चुने जाए, इसकी शुभकामना देते हैं। आखिरी सवाल सर, ट्रेनिंग कॉलेज है उसकी तकदीर बदलने वाली है, 50% 20% पर आ गया, क्या लग रहा है? जुलाई में आपने पहले भी कहा कि संभावित, मैं हमेशा कहता हूँ कि सातवां चरण छठे चरण की समाप्ति के बाद तुरंत शुरू।